2.5 करोड़ में पूरी की पूरी मुंबई बेची गई थी। मुंबई में तबाही होने वाली थी, लेकिन वो कैसे ना कैसे बच जाती थी। पांच किलो गोल्ड में बेचा गया था 2.5 करोड़ रुपए में। आज के वक्त आपको मुंबई में एक अच्छा सा फ्लैट भी नहीं मिलता अच्छी जगह पर, और उस वक्त 2.5 करोड़ में पूरी की पूरी मुंबई बेची गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मुंबई के बारे में बहुत ही दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। तो मैंने सोचा कि मुंबई के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मुझे आपको मुंबा देवी जी के दर्शन कराने होंगे, क्योंकि मुंबई का नाम आखिर मुंबा देवी के नाम से आया है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से हमारे शहर में ही ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो मुंबई को मुंबई नहीं कहते, बॉम्बे कहते हैं, और उसमें काफ़ी सारा यंग जनरेशन है जो मुंबई को बॉम्बे कह के पुकारते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि ये बहुत ही कूल साउंडिंग टाइटल है या हाई स्टैंडर्ड का प्रतीक है। क्योंकि ये जो टाइटल है ये मिला था फॉरेन पावर से। कौन सी फॉरेन पावर से, ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुंबई के 7 आइलैंड्स हुआ करते थे। अब हुआ यह कि 14th और 15th सेंचुरी में काफ़ी सारा हिस्सा भारत का मुगलों के हाथों में था, क्योंकि मुगलों ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर और काफ़ी सारा एरिया उनके पास चले गया था। तो उसमें से एक एरिया जो मुंबई का एरिया यानी जो 7 आइलैंड्स का एरिया था, वो सुल्तान बहादुर शाह के पास था। सुल्तान बहादुर शाह ने मुंबई का जो लोकेशन या रीजन है वो दिया पोर्चुगीज़ को। पोर्चुगीज़ ने ये 7 आइलैंड्स का रीजन जो है उसको बॉम्बाइया ऐसे रखा, क्योंकि उनके भाषा में इसका मीनिंग है गुड बे। बॉम यानी गुड एंड बाइया यानी बे। अब बे क्या होता है, बे का अर्थ ये होता है कि कोस्ट लाइन जो होती है, अगर वो समुंदर को तीनों तरफ से ऐसे घेर ले या ऐसे कर्व करके ऐसे घिरी रहे, तो उसको एक बे ऐसे नाम दिया रहता है। तो इसी वजह से मुंबई का जो लोकेशन था वो एक प्रकार से वो तीनों तरफ से समुंदर को कवर करता था, इसी वजह से इसको गुड बे यानी अच्छा बे ऐसे रखा गया, यानी बॉम्बे। तो ये एक ट्रेडिंग प्लेस के जैसे ग्रो होते गया, क्योंकि यहाँ पे सिल्क, मसलिन, ओनिक्स, राइस, कॉटन, टोबैको, ये सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें, मतलब 1626 तक यहाँ पे एक बड़ा एक वेयरहाउस हुआ करता था। यहाँ पे फोर्ट, यहाँ पे शिप बिल्डिंग यार्ड, ये सारी चीज़ें थी। तो काफ़ी एक फ्लरिशिंग, काफ़ी एक वेल्थी धनवान किस्म का जगह थी ये। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग रहते थे। और फिर 1662 में किंग चार्ल्स द सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने शादी की कैथरीन ऑफ ब्रगैंजा, जो एक पोर्चुगीज औरत थी। तो उनको दहेज में बहुत सारी चीज़ें मिली, उनके दहेज के जो गिफ्ट थे उसमें ये पोर्चुगीज लोगों की टेरिटरी यानी बॉम्बाइया या मुंबई वो थी। तो अब हुआ ये कि किंग चार्ल्स द सेकेंड को ये 7 आइलैंड्स पे रूल करने का एक बर्डन सा लगने लगा, यानी उनको एक बोझ जैसा लगने लगा। तो इसी वजह से उन्होंने ये जो आइलैंड्स का रूल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, सिर्फ 5 किलो सोने के लिए पर ईयर। यानी उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे करती थी 5 किलोज ऑफ गोल्ड, यानी अराउंड 10 पाउंड्स ऑफ गोल्ड। तो दोस्तों, मुंबई को 5 किलो गोल्ड में बेचा गया था उस वक्त, यानी डील ये हुई थी हर साल किंग चार्ल्स द सेकेंड को 5 किलो गोल्ड देगी ईस्ट इंडिया कंपनी। और 5 किलो गोल्ड की कीमत आज के वक्त 2.5 करोड़ रुपए है। तो 2.5 करोड़ रुपए में आज के वक्त आपको मुंबई में एक अच्छा सा फ्लैट भी नहीं मिलता अच्छी जगह पर। तो ये बात है, और उस वक्त 2.5 करोड़ में पूरी की पूरी मुंबई बेची गई थी। तो जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे ब्रिटिश लोगों ने ये जो 7 आइलैंड्स हैं उनको जोड़ दिया और बॉम्बे बना दिया। और 1784 तक ये पूरी तरह से जुड़ गया था, यानी ये 7 आइलैंड्स एक तरह से जुड़ चुके थे एक साथ। दोस्तों, तो जैसे समय बीता भारत आज़ाद हुआ। पचास साल चले गए और हम वही नाम लेके, वही जो नाम जो बहुत ही दुखदायक प्रसंगों का प्रतीक था, यानी बॉम्बे, ये जो नाम है, ये नाम ऐसे लोगों ने रखा था जो लोग हमारा कभी भला नहीं चाहते थे, कभी हमको उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, ऐसे लोगों का नाम
हम लेके इतने साल चले, यानी 400 सालों तक वो नाम हम लेके चले हैं, एक प्रकार का एक इंसल्ट था। तो इसी वजह से 1995 में बाल ठाकरे जी ने ये इनिशिएटिव लिया कि इस पवित्र जगह का, इस महान जगह का नाम, जहाँ पे ये लोगों ने इतना ज़्यादा धन कमाया इस जगह पर आके, इस जगह का नाम उस देवी के ऊपर होना चाहिए जिसके वजह से रक्षा हुई थी मुंबई की, यानी मुंबा देवी के वजह से मुंबई को रक्षा मिली थी इतने सालों तक, तबाही से वो बच निकला था बहुत बार। तो ये जो थे फिशरमैन या जो कोड़ी लोग थे, उन जिन्होंने वो मंदिर की स्थापना की थी, उनका ये मानना था, और ऐसे हुआ था बहुत बार जब मुंबई में तबाही होने वाली थी लेकिन वो कैसे ना कैसे बच जाती थी और लोगों को इतना ज़्यादा धन कमाने का अवसर भी प्रदान करती थी। तो इसी वजह से बाल ठाकरे जी ने ये इनिशिएटिव लिया था कि ये जो जगह है इसका नाम बदल के मुंबई ही रखना चाहिए। तो मुंबई ये नाम मुंबा और आई ये जोड़ के बनाया गया है, मुंबा यानी मुंबा देवी जी और आई यानी माँ, तो ये दोनों शब्दों को जोड़ के मुंबई का नाम रखा गया है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही एक अनोखी कहानी है। इसको बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मूव था, ये था वो था, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि ये होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि एक प्रकार से ये एक इंसल्ट था हमारे लिए, क्योंकि 400 सालों तक हम एक ऐसे नाम के साथ जी रहे, हम एक ऐसे शहर में जी रहे जिसका नाम ऐसे लोगों ने रखा था जिन्होंने बहुत सारी तबाही मचाई थी, जिन्होंने शोषण किया था, बहुत सारे लोगों को बर्बाद करके रख दिया था, खुद के इंटरेस्ट और खुद के धन को मल्टीप्लाई करने, दुगना करने, तिगना करने, वो तो चले गए, लेकिन हम उस इंसल्ट के साथ दिन रात जी रहे थे, तो ये करना बहुत ही ज़रूरी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से वो सारे लोग जो मुंबई को बॉम्बे कह के पुकारते हैं, वो आज से ये ठान ले कि मुंबई को मुंबई ही कह के पुकारना चाहिए। तो इस वजह से मुंबा देवी के दर्शन करना अनिवार्य है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। आप यदि मुंबई में आए तो आप सबसे पहले इस जगह पर दर्शन करने ज़रूर जाए। बहुत ही पुराना मंदिर है। यह मंदिर का ओरिजिनल स्थान विक्टोरिया टर्मिनस, यहाँ जहाँ पे CST स्टेशन है, वहाँ पे हुआ करता था, लेकिन वहाँ से अंग्रेज़ों ने उस मंदिर को शिफ्ट किया मरीन लाइन्स के पूर्व दिशा में, उस मार्केट में ये मंदिर को स्थान दिया। पांडू शेठ नाम के एक व्यक्ति के ज़मीन पर यह मंदिर बनाया गया है। ओरिजिनली ये मंदिर की देखरेख उनकी फैमिली करती थी, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ये मंदिर एक ट्रस्ट के अंडर दिया जाए, और तब से ये ट्रस्ट के अंडर दिया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मंदिर की व्यवस्था और अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंदिर है। आजकल या कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि मुंबई में ज़्यादातर मीडिया सिद्धिविनायक मंदिर या कोई बड़े बड़े जो मंदिर है, जैसे इस्कॉन हुआ, तो ये जो सेलिब्रिटीज़ है वो ये सारे मंदिरों में ज़्यादा जाते हुए दिखते हैं। मीडिया का कोई कवरेज इस स्थान पर नहीं है। हमारे जो बॉलीवुड वाले हैं वो सारे मोस्टली सिद्धिविनायक मंदिर या इस्कॉन जुहू में, ऐसे बड़े बड़े जगह जहाँ पर बहुत सारा पैसा आता है, फैसिलिटीज़ होते हैं, वो सारे जगह पर वो जाना पसंद करते हैं। ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही क्राउडेड एक मार्केट प्लेस में है। इस मंदिर का दुर्भाग्य है कि ये मंदिर को इस स्थान पर ब्रिटिश लोगों ने रखे रख दिया। फाइनली मैंने दर्शन कर लिया है मुंबा देवी जी का, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी मुंबा देवी के बारे में, तो आप भी आइए मुंबई में कभी आए तो बहुत ही ऐतिहासिक या बहुत ही बड़ा एक स्पिरिचुअल सेंटर है, तो डेफिनेटली कम हियर एंड विजिट। पहले मुंबई में आओगे तो पहले मुंबा देवी जी का दर्शन कीजिए, बाकी बाद में सब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय।